नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत आज ऑफिस में विजिट के दौरान एक परिवार का आना रहा। कन्या के विवाह के लिए आए थे, 1997 की पैदाइश की कन्या। कुंडली कई अर्थों में अच्छी थी, लेकिन दाम्पत्य जीवन का जो मैटर था वो अपने आप में बड़ा खतरनाक था। तो मतलब खतरनाक इन द सेंस कि निभने वाला नहीं था, ऐसा उनके जन्मांक का योग था। हमने कहा कि आने वाले समय में अगर दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है, पति पत्नी में नहीं निभती है और मामला सेपरेशन तक आ जाता है, जो कि कुंडली स्पष्ट रूप से बता देती है कि भाई निभेगा या नहीं निभेगा, तलाक होगा या रिश्ता चलेगा, दो शादियों का योग नहीं है, स्पष्ट योग होता है। तो ऐसी स्थिति में लड़की सर्वाइव कैसे करेगी? लब्बोलुआब ये निष्कर्ष ये कि एक संदेश निकलता है खास तौर पे महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए। मैं उनके गार्जियंस, माता पिता, अभिभावक से आग्रह करना चाहूँगा कि आप बिटिया के विवाह के विषय में अगर विचार कर रहे हैं तो करिए, अवस्था आने पर हर माता पिता करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटी को उस योग्य कर दीजिए कि वो कुछ पैसे कमाने लग जाए, उसको स्वावलंबी बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए। कल को कुछ भी ऊंच नीच हो तो पेट पर्दा चलाने लायक रहे वो, भैया का मुंह ना देखना पड़े, वो भैया जो भौजी के बस में होंगे। पिता माता अवस्था के साथ ढलेंगे ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बेटी खूब अच्छे से पढ़े लिखे, स्वावलंबी बन जाए। आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, दिल्ली NCR में रहते हुए जैसा मैं देख रहा हूं, 70-80 हज़ार रुपये आज की तारीख में वो कमाने लायक हो जाए, महीने का 70-80 हज़ार रुपये में अच्छे से पेट पर्दा चल जाता है, इज्जत से अच्छे से आज के स्तर के हिसाब से। बाकी तो चलाने को आदमी 10 हज़ार में भी चला लेता है, लेकिन इतना हैंडसम अमाउंट तो चाहिए। और ये बच्चे आजकल अच्छे से आसानी से कमा लेते हैं, स्किल्ड नॉन स्किल्ड दोनों, जैसे कुछ सीख करके भी या फिर प्रोफेशनल्स होकर के भी, बीटेक एमटेक आदि करके भी। फिर उसके बाद आप सोचिए ना, फिर उसके बाद ब्याहें, आप आपकी बेटी है, आपका धन है। और स्पष्ट कह के रखिएगा, संतोष संतोषी बोल रहा हूं मैं, आपका एस्टो फ्रेंड जिसे आप लोगों ने 70 लाख की संख्या तक पहुंचा करके प्यार दिया है, यूट्यूब, फेसबुक, जोश, इंस्टाग्राम आदि फॉलोअर्स मिला करके लगभग 70 लाख फॉलोअर्स हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ कि आप जब बेटी स्वावलंबी हो जाए फिर आप विवाह के लिए विचार करें। और आप लड़कियों से भी हम आग्रह करेंगे कि तब तक शादी के लिए आप लोग हाँ मत किया करिए जब तक आप स्वतः अर्निंग ना हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी शिक्षा 12वीं में रुक गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आप 12वीं करिए, ग्रेजुएशन करिए, साथ में कुछ डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए। लगे हाथ सलाह भी दे देता हूँ, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आज की तारीख में ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करके एक कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, 3-4 महीने में आप बढ़िया ग्राफिक्स सीख जाएंगे। डिजिटल मीडिया में ग्राफिक्स से ही सब कुछ है, ग्राफिक्स डिजिटल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आत्मा है, प्राण है, बिना ग्राफिक्स के कुछ हो ही नहीं सकता। एडिटिंग का कोर्स कर लीजिए आप घर बैठे, आप स्किल, आपके अंदर स्किल आ गया, डेवलप हो गया। लिखने का शौक लिखिए आप,
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप आइए, आप स्वावलंबी बनिए, कुछ करिए आप, और फिर विवाह करिए। और याद रखिए, आपका अपना अस्तित्व, आपका अपना एक इंडिविजुअल वजूद को एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है। मैं एक पुत्री का पिता हूं, मैं तब तक उसकी शादी नहीं करूंगा जब तक वो स्वयं में 1,00,000 रुपया महीना ना कमाए, उसकी अवस्था विवाह योग्य होने तक 1.5-2 लाख महीना ना कमाए, फिर करें शादी। विवाह एक बंधन है, और हमारे भारतीय समाज में खास तौर पर महिलाएं जब बंध जाती हैं तो फिर बंध ही जाती हैं। उनको प्रकृति ने बनाया ही इतना प्यारा है कि वो तमाम अपने त्याग के लिए वो सब कुछ मतलब करने लग जाती है, फिर चाहे वो त्याग बचपन में छोटे भाई के लिए हो, फिर पिता के लिए भी हो, पति के लिए हो, पुत्रों के लिए हो, तमाम हर जगह त्याग करती है, बेटी के लिए हो, दामाद के लिए हो, संभल नहीं पाती। तो स्वावलंबी अगर रहेगी ना, तो ना कुछ हो तो उसका गट्स उसके मतलब थोड़ा सा उसको नहीं, बहुत बड़ा एक सहारा बन जाता है। एक बार पुणे में एक जातक के जन्मांक के विश्लेषण के दौरान बिटिया की माँ ने, सरकारी नौकरी पर चर्चा चली, उसकी कुंडली में योग था, मैंने कहा कि आपको तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, तो बेटी कही नहीं मैं तो एमएनसी में जाना चाहती हूँ, उसमें सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। मैं मुस्कुरा रहा था और रेमेडीज वगैरह लिखता हूँ फाइल में, तो लिख रहा था। इस बीच उसकी माँ ने धीरे से कहा, बेटा सरकारी नौकरी माँ का दूध होता है, कितनी बड़ी बात है। मैंने उसके बाद 200 जगह इस वाक्य को कोट किया है, गवर्नमेंट जॉब को जब मैं सुपीरियर बताता हूँ कहीं पर, कुंडली में योग होता है तो मिल जाती है, खेल तो सब योग का ही है। तो बेटियाँ मजबूत रहेंगी, कमाएंगी, उनका वजूद, उनका अस्तित्व उनको सर ऊंचा करके चलने के लिए विवश करेगा, फक्र होगा, एक पिता के रूप में भी, एक भाई के रूप में भी, और एक पति को भी फक्र होना चाहिए अगर उसकी पत्नी आगे बढ़ती है, कमाती है, पति को भी फक्र होना चाहिए। ये नहीं कि छुलस के मर जाएं कि अरे साला हम तो इतने ही कमाते हैं, ये किसी इतना ज्यादा कमाने लग गई है। पति को भी फक्र होना चाहिए, क्यों ना हो भाई, पत्नी ज्यादा कमा ली है तो क्या हम हे दृष्टि से देखे जाएंगे, हम गलत हो गए। क्या हो जाएगा, आप बच्चे संभाल लेंगे, खाना बना देंगे, तो हाथ कट जाएगा क्या, आपके नहीं है क्या, वो खनवा आप नहीं खाएंगे क्या। तो ये सामंजस्य हर जगह नहीं होता है, इसलिए वो कमाए। ओवरऑल जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, आप देखिए परिस्थितियां कोई नहीं जानता है कब जीवन में क्या किस चीज़ की आवश्यकता होगी। अगर आपके अंदर ज्ञान होगा, इसके लोग आप कमा रही होंगी, तो आप बहुत सारी चीज़ों का सामना मज़े से कर सकती हैं। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, चर्चा विराम देते हैं। अभिभावकों से अनुरोध है, बेटियों को खूब अच्छे से पढ़ाइए, अच्छे से परवरिश करिए, और प्लीज़ तब तक शादी ना करिएगा जब तक वो मज़ेदार कमाने ना लग जाए, और कमवाने तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है अभिभावक के रूप में। पहुंचाइए उसको, उसके बारे उसके साथ संवाद स्थापित करिए, बेटी के साथ उसको वक्त दीजिए। एक स्त्री राष्ट्र का निर्माण करती है, गर्भ में शिशु पलता है, स्ट्रांग रहेगी, उसका मंगल मजबूत रहेगा, सूर्य मजबूत रहेगा। कामकाजी महिला के बच्चों को आप देखिएगा,
भगवान कसम घरेलू महिला की बच्चों से हर मामले में 10 ना मिल जाए तो कहिएगा, शोध है मेरा। कहने का मतलब कि दबा कर पढ़ाइए, बाप हैं आप, आपकी भागीदारी है, उसको मजबूत करिए, पुत्रियों को अच्छे से पढ़ाइए और स्वतंत्रता दीजिए। तुलना कर लीजिएगा, चैलेंज इसमें भी कर सकता हूं, बेटा स्वतंत्र होकर के नष्ट होगा, बेटी स्वतंत्र होकर के कुछ बन के दिखा देगी। सूत्र ले लीजिए हमारा, मजा आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, मेरी बात याद रखिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, क्या पता कोई बाप या भाई आज थोड़ा सा बदल जाए।